शिमला माशाल्लाह दो महीने पहले 1000 रुपए किलो था, अभी 20 रुपए किलो है। हाँ। तो उसको मिर्चियाँ लगने शुरू हो गई हैं, तो ये क्या कोई ये पाकिस्तानी 30 रुपए किलो है, 70 रुपए किलो ये फाइनल रेट है या थोड़ा बहुत नीचे हो जाएगा? नीचे हो जाएगा, 50 पे आ जाएंगे, 60 पे, 65 रुपए की पे ही है मटर। अच्छा वो अगली वीडियो में लगा देंगे भाई, एक बेनिफिट इन्होंने ले लिया। हाँ 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 हाँ, पुदीना के क्या खुशबू, मिंट का एक अपना सीन है भाई, इसको सूंघने में भी बड़ा मज़ा आता है मिंट को ना, 5 रुपए की गड्डी आप। और यहाँ जो है नीचे मटर भी मुझे नज़र आ रहे हैं, मटर का क्या रेट होगा? मटर 70 रुपए किलो है। टमाटर का क्या रेट है? टमाटर ये बड़ा पेटी है 500 रुपये, 500 रुपये की पेटी। और ये वैसे होगा कितना इसके अंदर? 15 किलो। अच्छा ये आप लहसुन के स्टॉल के ऊपर आ गए, क्या हिसाब है लहसुन? 250 रुपये। और अदरक 250, 5-5 रुपये का व्यूअर चेक करें। धनिया पुदीना 5-5 रुपये के अंदर, 100 रुपये, 60 रुपये, ये यहाँ 30 रुपये किलो है अभी। और गाजर 30 रुपये, ये भी 30 रुपये हुई है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डेलना व्लॉग की जानिब से एक और शानदार वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। आज हमने सब्जी मंडी को विजिट करा है, तो सब्जी मंडी के आपको होलसेल प्राइस बताएंगे, ठीक है। और काइंडली अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो लेके आ रहे हैं। चले आए, सीन ऑन है। काम हो गया। सलाम अलैकुम भाई, क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? क्या हिसाब लौकी चला रहे हैं? 20 रुपए किलो। और क्या क्या आइटम आपने रखा हुआ है? मिर्ची। मिर्चे क्या रेट के ऊपर हैं? 25 रुपए। कोई भी मिर्चे ले लें या वो कोई भी? ये व्यूअर्स चेक करें, साफ़ सुथरी क्लीन मिर्चें, धुली धुलाई मिर्चें आ रही हैं, बड़ी ज़बरदस्त साफ़ सुथरी, 25 रुपए किलो के अंदर। डेली नया व्लॉग, डेली नया व्लॉग। अच्छा ये चेक करें व्यूअर्स, दिन निकल आया और मार्केट का रश जो है वो ख़त्म नहीं होने को आया। हमारे जो जहन के अंदर था कि मार्केट जो है वो बंद हो जाती है मेरे ख्याल से, ठीक है, क्योंकि दिन निकलते ही मार्केट, लेकिन रश ख़त्म नहीं हो रहा। लोग जो है माल सही भरपूर भरा हुआ है, ये नहीं कि माल पुराना है, सारा साफ सुथरा फ्रेश डेली माल उतर रहा है इनका। ये देखें सारी एक एक चीज़ फ्रेश, एक एक चीज़ डेली ये ख़त्म फिनिश करके जो है जाते हैं। अगले दिन नया माल आया था और रेट आपको पता है सब्ज़ी के इतने गिर गए कि हद हो गई है। इतनी मेरे ख्याल से ज़िंदगी में इतने रेट नहीं मेरी गिरे जितने आपकी गिरे। मोगरे का हिसाब है भाई, मोगरे 50 रुपये किलो है। और मटर का हिसाब है? मटर का हिसाब है? मटर भाई जान 90 का भेज रहे हैं। नहीं मुनासिब क्या हो जाएगा? मटर जो सस्ते वाला दूसरा है ये क्लासिकल है ना? अच्छा क्लासिकल, हाँ ये क्लासिकल बोल। अरे झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ए चीता प्रिंट है, ए चीता प्रिंट है तबड़ा। इसका रेट है 50 के हिसाब से 5 किलो दे, वो उसने बोला अभी दे ना साहब 5 किलो, 60 के 5 किलो दो ना अभी, तोल ना, तोलो, हाँ तोल ना, कल्टी शाह का नारा मार ना तोल। क्या बोला 50 का दिल्ली नया बोलो ना, इसको बताओ हम निकालेंगे नेट से। एक क्या रेट है भाई इसका? लौकी का 30 का, 25 का लगेगी, 25 का लगेगा, 40 का, 35 का लगेगा। बैंगन, बैंगन बैंगन तो बड़ा लंबा लंबा हो रहा है, हटाओ जाना। ये देखे बैंगन व्यूअर्स चेक करें हैं। मटर पे भाई आप बैठे हुए हैं, तो मटर का रेट क्या है? 70 रुपये किलो। 70 रुपये किलो ये फाइनल रेट है या थोड़ा बहुत नीचे हो जाएगा? नीचे हो जाएगा, 50 पे आ जाएंगे, 60 पे, 65 रुपये की पे ही है मटर। अच्छा व्यूअर्स ये वाला जो मटर है ना, ये बड़ा क्लास का मटर है, क्योंकि इसका छिलका है पतला, ये वही है ना पतले छिलके वाला है, ये मलीर वाला, क्योंकि एक होता है मोटे छिलके का, उसमें दाना पतला छोटा होता है मगर छिलका मोटा होता है, ये है भी मीठा ज़बरदस्त किस्म का। ये देखें ये क्या, इसका क्या रेट चल रहा है? 40 रुपये किलो, 40 रुपये किलो। और ये क्या कहलाती है? मारो। हाँ किसको मारनी है? नहीं, इसका नाम है खोसा। खोसा नाम है, तो इसका रेट क्या है?
30 रुपए। ये टिंडे, टिंडे भी बोल रहे होते हैं ना वैसे? टिंडा वो है, टिंडा वो है। टिंडे का क्या रेट है? टिंडा 30 रुपए। टिंडा 30 रुपए। और शलजम? शलजम 20 रुपए। 20 रुपए किलो जी जी। और गाजर? गाजर 30 रुपए किलो। गाजर 30 रुपए। व्यूअर्स आप खुद चेक करें, मटर के क्या रेट है? ये मटर मलीर है 65 रुपए किलो। 65 रुपए किलो। मतलब ये फाइनल रेट होते हैं आपके? फाइनल रेट हम बताएगा आपको। हाँ फाइनल रेट है मतलब। हाँ। अच्छा कोई यहाँ आ रहा है 2 किलो 4 किलो 5 किलो उसको चीज़ मिल जाएगी, या आपका उनके लिए होता है जो जो मार्केट के अंदर सेल कर रहे होते हैं? नहीं नहीं, कोई मतलब हमारे ऐसा कोई गरीब आदमी अगर आपके पास आके हैं तो वो आपके पास आके लेगा तो मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। देखें ये बहुत अच्छी ज़बरदस्त बात है इनकी कि ये जो है एक आम घर वाला अगर कोई आ रहा है मंडी तो 10-15 किलो अपने ख़ानदान के लिए पूरे ले गए, क्योंकि 1-2 किलो के लिए तो आप इतनी दूर मंडी नहीं आएंगे, आपने पूरे ख़ानदान के लिए लेंगे जैसे 10 किलो 20 किलो मटर तो बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको यहाँ से। और करेले के क्या रेट मिलेंगे? कौन कौन सा करेला कद्दू क्या रेट है इनके? 20 रुपये किलो करेले का, 50 रुपए किलो है। ये वीवर चेक करें, बड़ा फ्रेश किस्म का करेला है। और तोरी, तोरी 50 रुपए किलो। और गोभी 50 रुपए किलो। और ये बैगन 40 रुपए। खीरे का क्या रेट चल रहा है? और ये आपके पास ये चीज़ लगी? ये 200 रुपए किलो। ये थोड़ा सा महंगा है, ये थोड़ा सा महंगा अब हो जाता है, कोई कोई ज़्यादा महंगा है। ये क्या चीज़ है? फलियाँ 116 रुपए किलो है। 30 नहीं लगेगा? ना नहीं, रेट ऐसे चल रहा है ना, ये बता रहे 30 हैं 35 हैं 40 हैं, एक का रेट बता रहे हैं। 30 रुपए किलो है बंद गोभी। देखो बंद गोभी देखो फ्रेश। और ये सेम फली, इसका क्या रेट है? क्या रेट है? 50 रुपए किलो। मटर ये अंदर थोड़ी आएगा परफ्यूम तुम्हारा, अंदर अंदर थोड़ी आएगा ये परफ्यूम लगा के, नहा धो के आओगे तो फिर वो ना अंदर आ जाएगा। तो इस मटर का क्या? मटर मलीर की मटर है, मलीर वाली। तो इसका रेट क्या? 80 रुपए किलो। और ये मलीर की नहीं है, ये भी मलीर की है। और भिंडी आई भी भाई मार्केट के अंदर, भिंडी आई और छाई, इसका क्या रेट चल रहा है आजकल? 160 रुपए किलो। अच्छा ये ज़रा सब्जियों के अंदर सबसे महंगी जा रही है भिंडी, क्या वजह, क्यों महंगी है ये? हैं मतलब क्यों महंगी हुई है थोड़ी सब्जियों, बाकी सारी सब्जियों के रेट नीचे आ गए, भिंडी का रेट क्यों ज़्यादा चढ़ा? रेट है वो सब्जियों में सबसे ज़्यादा क्यों है, क्या वजह बनी हुई, बाकी सारी सब्जियां 20 रुपए किलो 30 रुपए किलो 40 रुपए किलो तक जो है ना भिंडी का रेट चढ़ जाता है। वजह ये कि सीजन नहीं है इसका, सीजन नहीं है, ये गर्मी के सीजन की है, ये गर्मी के सीजन की है तो इस वजह। लेकिन फिर भी व्यूअर्स ये सस्ती है, बेसीजन जो भी फल हो या सब्जी हो वो महंगी होती है, लेकिन फिर भी अगर आप इसका रेट देखें तो ये सस्ती है। इसी हिसाब से सर, असल में ये भिंडी नहीं है, ये आर्टिफिशियल चाइना का माल होता है ना, ये चाइना, ये आजकल जो फार्मिंग जो चल रही है आर्टिफिशियल फार्मिंग की उसकी है, तो उस हिसाब से बहुत सस्ती है। असल भिंडी जो है वो सुल्तानाबाद सीजन में वो आती है, वो खाने से उसमें फायदे भी बहुत जबरदस्त, मतलब फायदे तो इसके भी होंगे। इसके नहीं, इसके अंदर ये तो अच्छा लेस नहीं है। ये विवर्स ये चीज़ है, ये वो गरीब भी खा सकते हैं, अमीर भी खा सकते हैं, अमीर भी खा सकते हैं, गरीब नहीं खाएगा। भिंडी 170 रुपए। टमाटर का क्या रेट है? टमाटर ये बड़ा पेटी है 500 रुपए, 500 रुपए की पेटी। और ये वैसे होगा कितना इसके अंदर? 15 किलो 500 में से क्या रेट पे पड़ रहा होगा ये किलो में? तकरीबन 30-35 रुपए 30-35 रुपए किलो वीवर से पड़ रहा है। और टमाटर की हालत आप चेक करें, ऐसी हो रही है कि बिल्कुल अभी लग रहा है अभी जो है ना अभी उतार के यहाँ ला के रखा हुआ है, साफ़ सुथरा क्लीन और एक साइज़ के अंदर है। ये देखें मेन चीज़ ये है कि इसमें कोई गला सड़ा पिचका हुआ नहीं है, ज़बरदस्त साफ सुथरा फ्रेश माल। एक आपने एक बार पेटी ली ख़ानदान में बांट दें, इतनी कोई महंगी नहीं है, 500 रुपए की पेटी है, दुआएं देंगे आपको। ये तो इस टाइम ये हो गया सब्ज़ी का हाल, आप गिफ्ट दें लोगों को गिफ्ट, 5-5 किलो ले आ गए मंडी आए, 5-5 किलो पेटी उठाई पेटी गिफ्ट, सही है, बेहतरीन गिफ्ट किए चल रहा है इस टाइम। ऊपर क्या हिसाब है लड़के? धनिया बाबा 200 200 क्या मतलब
कोई एक आधा बंदा आएगा तो उसको वो तो 200 का नहीं लेके जाएगा ना। 5 रुपए की गड्डी है ये देखें अभी, बस चेक करें 5 रुपए की गड्डी। और मेथी का क्या हिसाब है? 60 रुपए किलो है। ज़बरदस्त रेट चेक करें व्यूवर्स। इस टाइम मैंने आपको बताया ना सब्जियाँ आप भर यहाँ ले के जाएँ, सब्जी हो गई गिफ्ट के तौर पे, भर के खानदान में बांटो और दुआएं समेटो, इतनी सस्ती हुई भी है। पुदीना भी, हाँ 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 हाँ, पुदीना के क्या खुशबू, मिंट का एक अपना सीन है भाई, इसको सूंघने में भी बड़ा मज़ा आता है मिंट को ना। 5 रुपए की गड्डी, आप कैमरा फोकस कर रहा होगा इसको, ठीक ठाक फ्रेश कंडीशन के अंदर है ये, फुल फ्रेश के अंदर है, वरना मार्केटों में हमने वैसे अमूमन देखा है पुदीने की हालत जो है ना, बस पुदीना ही होता है, बस वो नाम जो है ना पुदीने का हो जाता है, बाकी ये पुदीना नहीं। इसके अंदर इसकी फ्रेशनेस चेक करें, इसकी डंडी है जो देखें, ये देखें काली पड़ी हुई होती है मार्केट, आप मैंने डंडियाँ देखी, ये देखें इसकी फ्रेशनेस देखें, ज़बरदस्त। अबे यार पैरों में आ रही है हर चीज़। 80 रुपये किलो 80 रुपये किलो और बैगन 60 रुपये किलो और उधर है जनाब वो मिर्ची 80 रुपये किलो उसके पीछे गोभी 90 रुपये किलो ज़्यादा महंगी नहीं बता रहे तुम गोभी, थोड़ा रेट तुम्हारा ज़्यादा नहीं है, क्या वजह महंगी उतरी हुई तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास महंगी उतरी हुई है, सही है। और लौकी का क्या रेट है? लौकी 10 रुपये किलो नहीं यार ये, ओ, 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 ये अच्छा ये वहाँ वो महंगी मिल गई, ये तुम्हें सस्ती मिल गई, बाकी ये रेट अच्छा, ये जमींदार अच्छा, ये 10 रुपये किलो और ये गोल वाली लौकी का भी यही रेट है, ये रेट है। व्यूअर्स चेक करें 10 रुपये किलो क्या रेट है लड़के लहसुन का? लहसुन चाइना 260 है, देसी 300 है, अदरक 280। चाइना 260 है, देसी 300 है, अदरक जो है अदरक क्या बताई थी? 280। और ये छिलावा जो लहसुन है 350 रुपये का फ़र्क है। है ये छिलावा देसी है? छिलावा देसी है, चाइना भी आ रहा है मगर देसी के रेट ज़्यादा होते हैं, चाइना सस्ता है। अच्छा 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 20-30 रुपये का फ़र्क होता है। अभी ये कि आप छिलावा ले लें तो ज़्यादा बेस्ट है, छीलने में जो है परेशानी नहीं होगी आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हिसाब चला रहे हैं मिर्चियाँ? सर ये मलिर 30 रुपये किलो है और ये 25 की लगा देंगे, और मोटी भी 25 रुपये किलो है, हाइब्रिड जो है 100 रुपये किलो है। हाइब्रिड मतलब? हाइब्रिड ये तेज़ वाली मिर्ची होती है। अच्छा ये तेज़ है, हाइब्रिड करी हुई है, तेज़ जायके वाली यही मिर्ची, यही जायके वाली, क्योंकि कराची में ज़रा तेज़ मिर्चियाँ पसंद करी जाती हैं, तो ये जो है बेस्ट है, ये मलिर वाली से भी तेज़ होती है। अच्छा 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 ज़बरदस्त। व्यूअर्स आप रेट चेक करें, बेहतरीन रेट हुए हैं। ये देखें लाल मिर्चें, मैं तो बोलना डालना छोड़ दें, हरी मिर्चें डालें और उसके फ़ायदे भी बहुत हैं। वो भी वही रेट के ऊपर है पीछे, मतलब मिर्चों का रेट एक ही है, कोई सी भी ले जाएं 25 रुपये में, आप 25 रुपये में मिल जाएगी। इधर 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 लेके आए ज़रा कैमरा, ये सेम की फली कहलाती है, 40 रुपये किलो और ये चुकंदर 30 रुपये किलो है चुकंदर, ज़बरदस्त। व्यूअर्स क्या रेट पे दोगे भाई बता? 40 का? नहीं नहीं सही रेट लगाओ इतना है नहीं मतलब ये फाइनल रेट है आपके 40 रुपए किलो के अंदर ये चुकंदर है ये रेट। और सेम की फली क्या रेट पे दे रहे हो? ये 60 की, हम 40 की बेच रहे हैं। 40 रुपए की बेच रहे हैं, ये तो तुम वो वहाँ के रेट बता रहे हो जो वहाँ चल रहे हैं रेट मार्केटों में। मार्केट में पता नहीं, मार्केट का नहीं पता इनको। अच्छा इनसे जिस किसी भी आप जो हैं थोक वाले से या होलसेलर से आप रेट बनेंगे तो ये इनका ये एक ही बात होती है, बोलते हैं हमें नहीं पता मार्केट के अंदर क्या रेट पे चल रहा है, लेकिन हमारा रेट ये होता है इनकी। ये बहुत अच्छी बात है कि ये किसी के जो है अगर किसी को माल दे रहे होते हैं तो उसके बारे में कुछ जो है ना गलत अल्फाज नहीं इनके होते, ये बोलते हैं यार हमें नहीं पता, जो मर्ज़ी रेट पर वो सेल करें, हमारा रेट फ़िलहाल ये। और हाँ तो और वो उसका रेट वो क्या फलियाँ कौन सी क्या कहलाती हैं? लोबिया। लोबिया बिल्कुल, इनका क्या रेट है लोबिया का? 100 रुपये किलो है, 100 रुपये किलो के अंदर लोबिया है, और वो भी सेम की फली है, वो अलग है, वो लंबी है, तो उसका रेट क्या? वो भी यही है। अच्छा रेट सेम ही है, ज़बरदस्त।
ज़बरदस्त। और ये पीछे किसका लगा हुआ है? पीछे इनका। इधर इधर लाओ, इधर लाओ। ये पुदीना के, पुदीने की तरफ आ गए। पुदीना क्या हिसाब है? नहीं नहीं कोई यार, कुछ एक एक कितने की पड़ेगी? छः रुपए की पड़ गई, 5-6 रुपए की। और ये क्या रेट पे? 40 रुपए किलो। ज़बरदस्त हो गया। मोंगरा, मोंगरा 40 रुपए किलो के अंदर है। ये व्यूअर्स चेक करें। ये देखें, ये इस कंडीशन के अंदर जो है हमारे जो दुकानदार जो मोहल्ले में या गली मोहल्लों के अंदर बैठे हैं या सब्ज़ी वाले हैं, तो इस तरह उनके लिए पैक करके इस तरह जो है यहाँ लोड करके फिर वहाँ उनके तक पहुँचाया जाता है। फिर वो अपने अपने रेट्स में सेल करते हैं। ये देखें, जैसे यहाँ लोड कर रहे हैं, गाजरें हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ, मटर, फलियाँ, सब चीज़ें जो है आपको यहाँ मिल जाएंगी। ये शिमला मिर्च, ये इस कंडीशन में होता है। अपना यहाँ से लेके वहाँ, अब आपको पता है क्योंकि यहाँ से लेके जब जाते हैं तो वहाँ का रेट थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, यहाँ का रेट थोड़ा मुख्तलिफ होता है, लेकिन सब्ज़ी बहुत फ्रेश हुई हुई है। ये है कि ऐसा नहीं कि सब्ज़ी सस्ती हुई हुई है, और सस्ती के साथ एक और इसके अंदर चीज़ है, ये सब्ज़ी फ्रेश बहुत हुई हुई है सारी। सबके पास अच्छी कंडीशन के अंदर यहाँ सब्ज़ी है। ये नहीं कि कोई हल्की है कंडीशन के अंदर और ये चल दिया, ये आपके घर की तरफ भी जा सकता है। सलाम अलैकुम। क्या हिसाब चल रहे हैं भाई? बैगन, बैगन 20 रुपए किलो। बैगन 20 रुपए किलो। और ये क्या, कद्दू? कद्दू 20 रुपए किलो, मन का 800। अच्छा, 20 रुपए किलो। और मन भी बता रहे हैं जो थोक के रेट हैं, अगर आपने किलो में भी लेना हो वो भी मिल जाएगा, 5-10 किलो, 20 किलो, जितना चाहिए, 2 किलो। ये देखें, ज़बरदस्त रेट है। यहाँ चेक करें, फ्रेश कंडीशन के अंदर है। सलाम अलैकुम। तो क्या हिसाब चल रहा है भाई? अच्छा, ये क्या, इसका मिंट का क्या रेट चल रहा है? पुदीने का 6 रुपए गड्डी, कोई 5 दे रहा है, कोई 6 दे रहा है। व्यूअर्स चेक करें अलग अलग रेट के। और ये इसका भी यही रेट है? ये 5 रुपए गड्डी। और ये गाजर जूस वाली जो है, ये अच्छा, ये आपके पास जो 80 रुपए किलो है? मेथी, प्याज 120 रुपए किलो। क्या 120 रुपए किलो बताया आपने? अच्छा, हरा प्याज ही, हरा प्याज 120 रुपए किलो। वो भी पीछे लगा हुआ है हरा प्याज, ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, चाइनीज़ के अंदर ज़्यादातर ये इस्तेमाल होता है। ये देखें व्यूअर्स रेट, यहाँ 20 का किलो, ज़बरदस्त। ये देखें व्यूअर्स, चेक करें, माइक लगे हुए हैं। क्या रेट है? इधर आओ, इधर आओ, आप दोबारा बताओ ये। जी जी बोलो। हाँ, क्या रेट पे चला रहे हैं? ये 30 रुपए किलो चला रहे हैं। तो ये क्या मज़ार से लेके आए हैं? गुलाब गुलाब डाले में इसके अंदर? नहीं, ये खूबसूरती के लिए। अच्छा, खूबसूरती खुशबू के लिए आपने डाले होता है ये? डाला था ये आप लोग उधर से, जमीन से डाल के बेचते? अच्छा, वहाँ से डाल के बेचते हैं, जबरदस्त। मतलब बड़ी मोहब्बत करने वाला फार्मर है जो गुलाब के फूलों में सजा के आपके पास सब्जी भेज रहे हैं, और जबरदस्त। इसके क्या रेट ये वाले? ये भी 30 रुपए किलो। टिंडा है, वो मारू है, टिंडा माड़ू। लंबा बैंगन क्या रेट पे? 40 रुपए किलो। पीछे गाजर लगी हुई, उसका क्या रेट है? उधर भी देख लो, गाजर का क्या रेट है? गाजर 30 रुपए। और यहाँ जो है नीचे मटर भी मुझे नज़र आ रहे हैं, मटर का क्या रेट होगा? मटर 70 रुपए किलो है। और करेले का क्या रेट है? 60 रुपए किलो। और लौकी भी 20 रुपए किलो है,
जबरदस्त। वो कहाँ गोभी क्या साहब है? गोभी सस्ते, गोभी बता रहा भैया 60 रुपए किलो, 60 रुपए किलो गोभी। पीछे घुमा लो, ऊपर करो कैमरे को, थोड़ा ऊपर करो। किसको क्या, फकीरनी को दिखाना है? हमें वही आ रही है सामने ऊपर करने के बाद। शिमला भी देख लो, शिमला माशाल्लाह 2 महीने पहले 1000 रुपए किलो था, अभी 20 रुपए किलो है। हाँ। ये काम मतलब ख्वाब में 1000 रुपए था। चाइना का शिमला आ रहा था ना भाई? हाँ हाँ। 2 महीने पहले 1000 रुपए किलो था, अभी 20 रुपए किलो है। 20 रुपए किलो है, घर घर 5 किलो डालो भाई को। ये 100 रुपए का 5 किलो शिमला है, 5 रुपए 5 किलो। ये असल में टेम का मौके से चौका लगाया, नहीं, 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 मौके से चौका नहीं है, छक्का 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 लगा दिया इन्होंने। बस 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 ये से मांगो। और भिंडी का क्या रेट चल रहा है? भिंडी सस्ता, बहुत सस्ता। भिंडी जो है सब्जियों में थोड़ी सी किंग जा रही है। जी जी। किंग हुई हुई है, इस टाइम बादशाह बनी हुई है। वैसे भी बादशाह है सब्जियों की ये भिंडी। वो अगली वीडियो में लगा देंगे भाई। एक बेनिफिट इन्होंने ले लिया, इन्होंने रेट थोड़े से कम बता दिए थे और वो बेनिफिट फौरन उठा लिया कस्टमर ने। कोई कम नहीं बताया, कम नहीं बताया, सही बताए थे। अच्छा जबरदस्त। लेकिन 20 रुपए किलो शिमला मिर्च है, कीमा और शिमला मिर्च का मजा ही कुछ और है। भिंडी का रेट आपने बताया नहीं, भिंडी 200 रुपए किलो, ज्यादा नहीं थोड़ा सा हुआ हुआ रेट। अच्छा सब्जियों में सबसे किंग का वैसे डिमांड होती है ना, डिमांड नहीं, सब्जियों में सबसे ज्यादा रेट सिर्फ इसका है। बाकी तो सब्जी आपने मुहिम इन्होंने एक बनाई हुई है सारे सब्जी वालों ने कि हमने जो है गोश्त का बाइकाट करवा देना घर पे, गोश्त बंद करवा देना, सब्जी पकाओ बस, जितनी पका सकते हो सब्जी खाओ, सब्जी से नहाओ, सब्जी पकाओ। सही बात है, सही बात है, ऐसा ही है ना, सही बात। ये भी 50 रुपए किलो लगी, कोई भी महंगा नहीं है सब्जी, वाकई बिल्कुल कोई भी महंगी नहीं। आम है जो गोश्त खा रही है, सब्जी खाए तो सब्जी महंगा हो जावे। पहले माशाल्लाह 200 रुपए किलो था, हर आइटम 200 रुपए किलो। तो वजह क्या बनी है कि एकदम से बारिशें आई थी ना उस टाइम? जी जी, सैलाब आया हुआ था, सैलाब में माल खत्म हो गया। अब दोबारा उन्होंने कहा अल्लाह पाक की करम नवाजी, ये ना सैलाब वाली जमीन में जिधर पैदावार पहले कम होती थी, अभी डबल पैदावार हो, सैलाब की वजह से, सैलाब की वजह से। देखें अल्लाह की कुदरत, देखें व्यूअर्स इनके बताने से, जबरदस्त चीज। ये अच्छा चुकंदर का रेट बताएं? चुकंदर 50 रुपए किलो। और ये बंद गोभी? बंद गोभी 40 रुपए किलो। और गाजर 40 रुपए किलो, 40 रुपए किलो। व्यूअर्स चेक करें रेट, देखें। मैं तो ये बोलता हूँ एक एक मन ले जाएं और इसका हलवा भी बनाएं। 20 किलो ले जो हमसे और डिस्काउंट करेंगे। हाँ, हर 20-20 किलो कोई आके बोले लेके जाएगा हमसे तो और डिस्काउंट कर देंगे। और गाजर जो है जितना मर्जी पैकेज देंगे ना भाई, पैकेज देंगे। और सब्जियां लें 2 किलो 4 किलो 15-20 किलो नहीं, 20-20 किलो। मैं तो ये भाई ये बोल रहा हूँ कि इस टाइम वालों को भी खिलाओ ना भाई उधर। मैं यही बोल रहा हूँ कि किसी के जाओ मिलने तो मिठाई का डब्बा ना लेके जाओ, 5 किलो का बंडल ले जाओ, ये सस्ता ही पड़ेगा, 100 रुपए का 50 रुपए का। मिलने की और बात है, लेके जाओ, पड़ोस पड़ोस में बांटो, गरीब गुरबा बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोलिए। कौन सा महंगा है? यहाँ से लेके जाएंगे इलाके में तो आपको पता थोड़ा सा रेट ऊपर ही होता है, बेचारे लेके आते हैं अपना दाड़ी लगानी होती है। रात को सर्दी में आते हैं अपनी बीवी को छोड़ के इधर मतलब मेहनत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, किराया खर्चा इधर उधर, सर्दी में किसी का दिल करता है कंबल से निकलने का? ये बात सही बोली है इन्होंने वाकई, क्योंकि हम लोग आए ना आज वीडियो बनाने तो हमें फील हो गया कि बहुत सर्दी हो रही थी। जी जी, ठीक है। और अंधेरा हो रहा था, आज तो माशाल्लाह सर्दी कम है भाई। आज सर्दी कम है, बिल्कुल सही बात। आ जाते मजा आ जाता। हाँ मजा।